मुकेश कुमार बिन, आज आपको सिविल इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट में अपने पढ़ाने जा रहा हूँ। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, आइए मेन टॉपिक पे चलते हैं। पहले हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन पढ़ाएंगे, इसके बाद थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। ये इसमें गुटका दिया है, जिसे यह फ्रंट है। पहले हम इसको फ्रंट से देखेंगे। ये वाले जितने चित्र दिखाई दे रहे हैं सामने से, जो मैं डार्क कर रहा हूँ, ये फ्रंट है। मान लीजिए सेपनर है, इसको हम इस इधर से देखेंगे तो ये चीज़ क्या है, फ्रंट हो जाएगी। इधर ऊपर से देखेंगे तो क्या है, इस टॉप भी हो जाएगी। इधर से देखेंगे तो क्या हो जाएगी, साइड भी। इधर से देखेंगे तो वी साइड भी हो जाएगी। पहले हम फ्रंट व्यू बनाएंगे। इसकी लेंथ कितनी है, 30 है, तो यहाँ पर हम 30 बनाएंगे। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू ऊपर बनता है, तो यहाँ से हम 30 ले लेंगे। पहले हम 5 सेंटीमीटर यहाँ पर छोड़ देंगे, 5 mm, इसके बाद बनाएंगे 30। दस, बीस, तीस। अब इसकी ऊंचाई देखेंगे कितनी है, 45 है। यहाँ पर हम 45 लेंगे, क्योंकि इसमें दिया है आर डायमेंशन आर इन mm, तो सब हम mm लेंगे। फिर इसकी क्या है, यहाँ से यहाँ तक 15 है, तो हम यहाँ से यहाँ तक 15 ले लेंगे। अब इधर से भी 15 ले लेंगे, 45 ले लेंगे हम लोग। अब इधर से 15। ये 15, ये 15 थे, यहाँ पर 15, यहाँ पर 15, तो बीच में कितना बचा, 45। तो बीच में 45 दिख रहे हैं, बच रहा है। लगभग वही है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 15। यहाँ पर यहाँ से हम 15 लेंगे। ये फ्रंट व्यू हम लोग को इस तरह दिखाई देगी। ये वाला साइड यहाँ पर है, ये वाला साइड यहाँ पर है, बीच वाला ये फ्रंट से देखेंगे तो ये दिखाई देगा, ये नहीं दिखाई देगा, ये वर्टिकल दिखाई देगा, ये सामने फ्रंट से दिखाई देगा। ये पूरा 30 है, ये भी 30 है, तो बीच में पूरा 75 है, तो बचा 15। यहाँ पर ये 15 हो जाएगा। इसी तरह 15 ऊपर है, 15 यहाँ पर, 15 ये यहाँ है, 15 यहाँ पर, बीच में कितना बचा, पूरा 75 है, तो 45 बचा, तो पूरा 45 है। ये हम लोग का टॉप भी हो गया, इसका हम डायमेंशन लिख देते हैं। ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है।
ये पूरी लिख देता हूँ। बीच में बचा 45। पूरा 45 है। अबे टॉप भी बनाएगा हम इसका। अब ये फ्रंट भी बन गया, अब हम इसको टॉप भी बनाएंगे। वीडियो करोगे तो हाँ। तो इसके बाद हम फ्रंट भी बन गया, इसके बाद हम टॉप भी बनाएंगे। फ्रंट के ठीक नीचे, इसके ठीक नीचे टॉप भी बनता है। आइए हम देखते हैं टॉप भी कौन सा है। इसको पहले मिटा लेते हैं। जो भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा है, प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम इससे अच्छी अच्छी वीडियो आपको प्रोवाइड कर सकें। जैसे इरेजर है, इसका टॉप व्यू क्या होगा, जो ऊपर की ये डायमेंशन है, इसकी ये टॉप व्यू हो जाएगी। इधर से देखने पर और इधर से देखने पर फ्रंट व्यू हो जाएगी, इधर और इधर साइड व्यू हो जाएगी। उसी तरह इस गुटको को देखते हैं हम लोग कि टॉप व्यू कौन होगा। टॉप व्यू से ऊपर से देखेंगे तो पहले ए वाला दिखाई देगा इससे हम लोग को, इसके बाद ये वाला इससे दिखाई देगा पूरा, ये वाला पूरा इससे दिखाई देगा हम लोग को ऊपर से देखने पर। जो हम ब्लैंक करते जा रहे हैं वही इससे दिखाई देगा। इसकी यहाँ से डायमेंशन कितनी है, 75 है। तो पहले हम सब डायमेंशन एमएम में होती है, तो पहले 75 एमएम हम खींच लेते हैं। सटा कर नहीं खींचेंगे, जो अच दिया है उससे 5 सेंटीमीटर छोड़कर या 10 सेंटीमीटर छोड़कर हम बनाएंगे। ये 75 mm हम खींच लेते हैं। इसके बाद ये वाली पूरा 75 है, 45 और 15 15 30, पूरी 75 हो गई। 75 यहाँ खींच लिए, इसके बाद यहाँ से यहाँ तक बस यहीं तक दिखाई देगा फ्रंट व्यू, टॉप व्यू यहीं तक दिखाई देगा पूरा यहाँ तक। ठीक, यहाँ से 15 है, ये पूरी कितनी है, 45 है। तो यहाँ से यहाँ तक पूरी हमारी 45 हो जाएगी, 45 यहाँ पर भी 45 हो जाएगी। इसके बाद हम देखेंगे इसकी मोटाई कितनी है, 15 है। इसके बाद हम इसकी मोटाई पर ले लेते हैं 15, यहाँ से 15, यहाँ से भी हम 15 ले लेते हैं। ठीक, अब इसकी कितनी है, 45 है। तो ये बीच वाली कितनी हो जाएगी, इसकी 45। जब इसकी ये 15 है तो बची कितनी, पूरी 45 है तो बची कितनी, 30। तो यहाँ से ऊपर हम लोग 30 लेकर जाएंगे। देरी
अब इसकी ये कितनी है, पूरी ये 15 है, ये भी 15, 30, ये वाली कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। यहाँ से हम लोग 15 ले लेते हैं, 15 और ले लेते हैं यहाँ तक, यहाँ से 15 और ले लेते हैं यहाँ तक। अब इसकी डेप्थ कितनी है, गहराई कितनी है, 10 है। यहाँ से लेते हैं, तो कहाँ चला रहा है, दोनों।